क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट और आज हम जानेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। तो चले शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। हम एक फंक्शन बनाते हैं सम के नाम से, जो कि दो पैरामीटर लेगा ए और बी और रिटर्न करेगा ए प्लस बी, और हम यहां पे इनको टाइप दे देते हैं एनी। और इसकी रिटर्न टाइप भी दे देते हैं एनी, और इसको कॉल करते हैं सम 4 प्लस 5 कर देते हैं, और सम एक में लिखते हैं हेलो और दूसरे में लिखते हैं बिलाल। हमें यहां पे एरर नहीं मिल रहा क्योंकि हमने एनी का यूज किया है, और टाइप स्क्रिप्ट में एनी का यूज नहीं करते क्योंकि वो जावा स्क्रिप्ट वाली फील आ जाती है। अगर एनी यूज करना है तो फिर टाइप स्क्रिप्ट यूज करने की जरूरत नहीं, फिर वो जावा स्क्रिप्ट ही यूज करें। बट यहाँ पे क्या है, एनी देके हमने यहाँ पे ये बता दिया कि आपकी डेटा टाइप कुछ भी हो सकती है। हम सम पे होवर करते हैं तो हमारी डेटा टाइप वो नहीं बता रहा कि जो हमारे पैरामीटर हैं और जो रिटर्न वैल्यू है उनकी डेटा टाइप क्या है, हमें नहीं मालूम। तो फंक्शन ओवरलोड कहता है कि आप हमारे जरिए इस फंक्शन के सिग्नेचर बना दें तो आपकी टाइप को हम मेंटेन कर देंगे। तो हम सिग्नेचर बनाते हैं, वो इसी नाम से बनेंगे फंक्शन। हम अपने फंक्शन का नाम देते हैं सम, और एक पैरामीटर है नंबर, दूसरा पैरामीटर है वो भी नंबर, और ये रिटर्न करेंगे नंबर। इसी तरह हम स्ट्रिंग के लिए भी बना देते हैं। ये हमने अपने फंक्शन की सिग्नेचर बना दी है। देखिए सेम नाम है बट फर्क ये है कि ये सिग्नेचर है और ये हमारा फंक्शन है। अब इसका क्या फायदा हुआ, अगर हम होवर करते हैं अपने फंक्शन पे या अपने जहां हमने फंक्शन कॉल किया है तो वहां पे हमारी जो टाइप है डेटा टाइप वो हमें एग्जैक्ट पता चल रही है कि जो पैरामीटर ए है और बी है उनकी टाइप स्ट्रिंग है, और जो फंक्शन डेटा रिटर्न कर रहा है वो भी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे वो बता रहा है कि ये ओवरलोड है, मतलब हमारी सिग्नेचर काम कर रही है। यहां तक क्लियर है कि सिग्नेचर किस तरह बनाते हैं और फंक्शन ओवरलोडिंग किस तरह होती है। अब मन में एक मलाल आ रहा है कि ये काम तो हम यूनियन के जरिए भी कर सकते हैं, उसमें ये इतना सारा कोड लिखने की क्या जरूरत है। तो हम अपना मलाल निकाल देते हैं मन का, हम इसे ये भी करके देख लेते हैं यूनियन के जरिए। हम यहां पे कहते हैं या तो स्ट्रिंग होगा या नंबर होगा। अब जब हमने यूनियन लगा दिया और कुछ देर के लिए हम अपने सिग्नेचर को कमिट कर देते हैं, तो यहां पे यूनियन लगाने के बाद हमारा फंक्शन कंफ्यूज हो गया कि जो पैरामीटर में वैल्यू होगी आया वो नंबर होगी या स्ट्रिंग होगी, इसे नहीं मालूम। तो हम इसको इस तरह कवर करते हैं, इफ टाइप ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर, अगर ए नंबर हो एंड टाइप ऑफ बी ये भी नंबर हो, तो इफ की बॉडी में जो कोड है उसे चला दें। तो इफ की बॉडी में हम कह रहे हैं कि ए प्लस बी, हमने यहां पे बता दिया ए प्लस बी, एल्स रिटर्न बैकटेक डॉलर ए एंड डॉलर बी, वरना ये कर दे। ये यूनियन के जरिए अब हमने ये कवर कर दिया और सिग्नेचर को कमिट कर दिया कि हमें सिग्नेचर की जरूरत नहीं, ये काम हम यूनियन के जरिए भी कर सकते हैं और हमारा एरर नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे यूनियन में बता दिया पैरामीटर की टाइप स्ट्रिंग होगी या नंबर होगी, और जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो भी स्ट्रिंग होगी या नंबर होगी, और हमें एरर नहीं मिल रहा। बट अगर हम होवर करते हैं तो यहाँ पे भी वही मसला आ रहा है कि जो हमारी डेटा टाइप है वो लॉस हो गई, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि जो डेटा टाइप है पैरामीटर की
वो स्ट्रिंग है या नंबर है और जो टाइप रिटर्न हो रही है वो स्ट्रिंग है या नंबर है। हमें यहाँ भी डेटा टाइप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता, एनी में तो बिल्कुल भी पता नहीं थी बट यहाँ एग्जैक्ट नहीं पता। हम क्या करते हैं, अपनी सिग्नेचर को अनकमेंट करते हैं, सेव करते हैं और जादू देखते हैं हमारी डेटा टाइप मेंटेन हो गई। यहाँ पे जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि ये स्ट्रिंग है और रिटर्न भी स्ट्रिंग कर रहा है, जो फंक्शन है वो ओवरलोड है। और जब हम यहाँ पे होवर कर रहे हैं तो वो कहता है कि आपकी जो पैरामीटर है वो नंबर है और रिटर्न भी नंबर हो रहा है। तो ये फायदा होता है फंक्शन ओवरलोडिंग का कि हमारी डेटा टाइप जो है वो एग्जैक्ट हमें पता होती है। और इस क्लास को जरा सा हम समराइज करें तो हमने ओवरलोडिंग को लगाना भी देख लिया, वो किस तरह बनती है ये भी सीख लिया, और सिग्नेचर क्या है और फंक्शन पे किस तरह अप्लाई होती है और किस तरह काम करती है ये भी देख लिया। प्लस हमने ये भी देख लिया कि जो काम हम यूनियन के जरिए कर सकते हैं अगर ओवरलोडिंग के जरिए करें तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो एक चीज और रह गई, अगर हम इसे कमिट कर देते हैं एक सिग्नेचर को तो हमें यहाँ पे एरर मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारी सिग्नेचर काम कर रही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।